हो जाइए तैयार क्योंकि आ गया है इंडिया का त्योहार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो टाटा आईपीएल 2024 का पहला सुपरहिट मुकाबला यानी कि फर्स्ट मैच खेला जाएगा 22 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से रात में 8 बजे से यानी कि 8 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस पहले मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस फर्स्ट मैच के लिए एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि इस फर्स्ट मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा आईपीएल 2024 के फर्स्ट मैच में एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि इस पहले मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप आईपीएल 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा हर मैच से पहले फाइनल पिच रिपोर्ट, मैच प्रेडिक्शन और फाइनल फैंटेसी टीम पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। जबकि अगर आप आईपीएल 2024 के हर मैच का एक्यूरेट मैच विनर, इसके अलावा टॉस एंड सेशन प्रेडिक्शंस जैकपॉट एंट्री के साथ पाना चाहते हो तो एक बार आप सूर्या प्रेडिक्शन के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इनकी डिटेल्स स्क्रीन पर शो रही होंगी। इसके अलावा इनका व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इनके प्रेडिक्शंस काफ़ी एक्यूरेट होते हैं और काम काफ़ी बेहतरीन है, इसलिए अगर आप भी आईपीएल 2024 के दौरान प्रॉफिट में रहना चाहते हो तो एक बार इनके साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2024 के फर्स्ट मैच के लिए एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2023 के टोटल 9 मैचेस इस मैदान पर खेले गए थे, जिनमें से 5 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे, जबकि 4 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर 170 रन का था, तो वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग्स स्कोर 156 रन का रहा था। तो आप इन आईपीएल 2023 में खेले गए मैचों के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, इसी वजह से दोनों टीमों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते हुए हैं। इसके अलावा एवरेज इनिंग्स के स्कोर में भी आपको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, मतलब साफ है कि हाल फिलहाल में ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतरीन साबित हुई है। इसी वजह से आईपीएल 2023 और वर्ल्ड कप 2023 के जो मैचेस इस पिच पर खेले गए थे उनमें आपको काफी अच्छे स्कोर्स देखने को मिले थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच ट्रेडिशनली स्लो नेचर की मानी जाती है, इस पिच से हमेशा स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है खास तौर पर सेकेंड इनिंग्स में, पर ओवरऑल ये पिच हाल फिलहाल में बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतरीन हो चुकी है और ये आईपीएल 2024 का पहला मैच होगा इस पिच पर, तो ये पिच काफी ज्यादा फ्रेश भी होगी। ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हो कि इस मुकाबले में भी आपको बेहतर बल्लेबाजी के लिए पिच नजर आएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो ये मैदान ज्यादा बड़ा नहीं है, एक मीडियम साइज ग्राउंड है जहां पर आपको स्क्वायर बाउंड्री 66 मीटर्स की देखने को मिलेगी, तो वहीं स्ट्रेट बाउंड्री 75 मीटर्स की है। तो सामने की तरफ मैदान थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसके अलावा ज्यादा बड़ा मैदान नहीं है, तो ऐसे में आपको इस मैदान पर भी काफी चौके और छक्के देखने को मिल सकते हैं। और इस मैच में तो वैसे भी सीएसके और आरसीबी के पास काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मौजूद होगी, तो चौकों और छक्कों की बरसात हो सकती है, तो फिर से हाई स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2023 के जो 5 मैचेस इस मैदान पर
फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। उन सभी पांच मैचेस में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 180 से 190 के बीच में या फिर 190 के ऊपर बना था, जो कि सक्सेसफुली डिफेंड हो गया था। और जो चार मुकाबले चेस करने वाली टीम्स ने जीते थे, उनमें से तीन मुकाबलों में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 150 के नीचे बना था, जो कि आसानी के साथ चेस हो गया था। तो इस आंकड़े से एक बात साबित हो जाती है कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है, तो उनको पहली पारी में कम से कम 180 से 190 के बीच में या फिर 190 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो चेस करना मुश्किल साबित होगा। वो इसलिए क्योंकि दूसरी पारी में स्पिनर्स को थोड़ी ज्यादा मदद भी मिलेगी पहली पारी के कंपैरिजन में, तो ऐसे में बड़ा स्कोर चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 150 के आसपास या फिर 160 के आसपास बनता है, तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। पर ओवरऑल पिच कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस पहले मैच में टॉस जीतेगा, वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2023 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो चेन्नई सुपर किंग्स का है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 217 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इसके अलावा जो लोएस्ट टोटल है वो एलएसजी का है मुंबई इंडियंस के खिलाफ 101 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो किया है पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 201 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो सीएसके ने किया है डीसी के खिलाफ 167 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आईपीएल 2024 के फर्स्ट मैच में एमएच चिदंबरम स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट तीन आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें, तो उसमें टोटल 29 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 11 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 28 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को एक विकेट मिला है। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 6 विकेट लिए हैं। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 2 विकेट मिले हैं, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 3 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट तीन आईपीएल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। खास तौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों पारियों के, यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिलती है। उनकी नई गेंद स्विंग भी करती है, जबकि उनको पिच से सीम मूवमेंट भी मिलता है। इसी वजह से पावर प्ले ओवर्स में फास्ट बॉलर्स दोनों इनिंग्स में काफी इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज पावर प्ले ओवर्स में सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे, वो आपको 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो जाएगी, और फिर तेज गेंदबाजों को भी अपने वेरिएशंस पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा विकेट चटकाने के लिए। लेकिन हमने देखा है कि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को भी इस पिच से मदद मिलती है, क्योंकि स्पिनर्स की गेंद इस पिच पर टर्न करती है। तो इस मुकाबले में भी दोनों इनिंग्स के मिडिल ओवर्स में जो स्पिनर्स हैं वो इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। वैसे ये पहला मैच होगा आईपीएल 2024 का इस पिच पर, तो ये पिच काफी फ्रेश होगी, ऐसे में स्पिनर्स को शायद उतनी ज्यादा टर्न ना मिले। पर ओवरऑल यही देखा गया है कि दूसरी पारी आने तक इस पिच से स्पिनर्स को थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है। तो जो भी टीम इस मैच में सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी करेगी, उस टीम के स्पिनर्स आपको ज्यादा इफेक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस पिच पर जो फिंगर स्पिनर्स हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुए हैं, जैसे कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने इस पिच पर काफी विकेट्स चटकाए हैं। पर दोस्तों ओवरऑल मुझे लगता है कि इस मैच में जो तेज गेंदबाज हैं वो स्पिनर्स के मुकाबले थोड़े ज्यादा विकेट्स चटका सकते हैं। ऐसे में मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा लेने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2024 के फर्स्ट मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें, तो सीएसके की टीम को आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले कुछ बड़े झटके लगे हैं, जहां पर इनके स्टार ओपनिंग बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे इंजरी के कारण आईपीएल 2024 के शुरुआती 3 हफ्तों से बाहर हो चुके हैं।
इसके अलावा युवा तेज गेंदबाज मतीशा पथिराना, जिन्होंने पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी थी, वो भी अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण आईपीएल 2024 के शुरुआती 3 से 4 हफ्तों के लिए बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 पहले मुकाबले में कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र, नंबर 3 पर आ सकते हैं अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 पर मोइन अली, नंबर 5 पर डैरल मिचेल, नंबर 6 पर कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर या फिर मुकेश चौधरी में से कोई एक खेल सकता है, नंबर 9 पर दीपक चहर, नंबर 10 पर मुस्ताफिजुर रहमान या फिर महेश दीक्षाना में से कोई एक खेलेगा और नंबर 11 पर तुषार देशपांडे आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बल्लेबाजी करेगी तब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम समीर रिजवी को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है तुषार देशपांडे की जगह पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट मैच के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको आरसीबी की प्लेइंग 11 फर्स्ट मैच में कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कप्तान फैफ डुप्लेसी के साथ विराट कोहली, नंबर 3 पर आ सकते हैं रजत पाटीदार या फिर अनुज रावत में से कोई एक, नंबर 4 पर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर कैमरन ग्रीन, नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर महिपाल लोमरोर, नंबर 8 पर कर्ण शर्मा, नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज, नंबर 10 पर अलजारी जोसफ या फिर लॉकी फर्ग्यूसन में से कोई एक खेलेगा और नंबर 11 पर यश दयाल या फिर मयंक डागर में से कोई एक खेल सकता है। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि जब आरसीबी की टीम बल्लेबाजी करेगी तब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम सुयश प्रभुदेसाई को इस्तेमाल कर सकती है मयंक डागर या फिर यश दयाल की जगह पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो आईपीएल के इतिहास में सीएसके और आरसीबी का आमना सामना टोटल 31 मैचेस में हुआ है, जिसमें से सीएसके ने 20 मैचेस जीते हैं जबकि आरसीबी ने 10 मैचेस जीते हैं और एक मैच बारिश की वजह से नो रिजल्ट रहा था। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा पिछले साल यानी कि साल 2023 में इन दोनों टीमों का आमना सामना सिर्फ एक मैच में हुआ था और वो मैच भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जीता था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बीच खेले गए रीसेंट आईपीएल मैचेस की। तो जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच हुए हैं वहां भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया है, क्योंकि सीएसके ने 4 मैचेस जीते हैं जबकि आरसीबी की टीम सिर्फ एक मैच जीत पाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर दोनों टीमों की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस मैदान पर टोटल 64 आईपीएल मैचेस खेले हैं, जिसमें से 45 मैचेस जीते हैं और सिर्फ 19 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस मैदान पर टोटल 12 आईपीएल मैचेस खेले हैं, जिसमें से 5 मैचेस जीते हैं और 7 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। तो आप इन स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन इस मैदान पर कितना शानदार रहता है। चेन्नई सुपर किंग्स को हराना इस मैदान पर किसी भी टीम के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है, तो वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की टीम इस मैदान पर स्ट्रगल करते हुए नजर आती है। इसी वजह से आरसीबी का रिकॉर्ड इस मैदान पर काफी खराब है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस वेन्यू पर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस के बारे में। तो सीएसके और आरसीबी का आमना सामना इस मैदान पर टोटल 8 आईपीएल मैचेस में हुआ है, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 मैचेस जीते हैं जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम सिर्फ एक मैच जीत पाई है और वो मैच खेला गया था साल 2008 में, जो कि इन दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर पहला आईपीएल मैच था। लेकिन साल 2008 के बाद से लेकर अब तक आरसीबी की टीम सीएसके के खिलाफ इस मैदान पर एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है, तो इसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को इस मैच में भी जरूर मिलेगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2024 के फर्स्ट मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो आप सीएसके की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जा सकते हो, जिनका हेड टू हेड और वेन्यू परफॉर्मेंस शानदार है।
सॉलिड टेक्निक के साथ खेलते हैं और स्पिनर्स के खिलाफ भी तगड़े हैं, तो एक अच्छी फैंटेसी पिक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आप बेहतरीन युवा ऑलराउंडर रचिन रविंद्र के साथ भी जा सकते हो, जो कि इस मैच में गेंद और बल्ले दोनों के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी से विकेट्स भी चटका सकते हैं। इसके अलावा टॉप ऑर्डर में इनके बल्ले से रन्स भी देखने को मिल सकते हैं, जबकि आप मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज डैरिल मिचेल के साथ भी जा सकते हो, जो कि हाल फिलहाल में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और ये भी स्पिनर्स के खिलाफ बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ आप आरसीबी की तरफ से कप्तान फैफ डू प्लेसी के साथ जा सकते हो, कंसिस्टेंटली रन्स बनाते हैं और हाल फिलहाल में काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। हेड टू हेड और वेन्यू परफॉर्मेंस भी शानदार है, चेन्नई की इस पिच को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि पहले सीएसके की तरफ से ही खेलते थे, तो ऐसे में ये भी एक मस्ट पिक फैंटेसी में साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आप विराट कोहली के साथ भी जा सकते हो, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी शानदार है और एक और बड़ी पारी इनकी तरफ से इस मैच में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, इनका हेड टू हेड और वेन्यू परफॉर्मेंस शानदार है, जबकि ये राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी से भी एक या दो विकेट्स चटका सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में काफी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मौजूद हैं, तो वो उनके खिलाफ काफी इफेक्टिव साबित होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो अगर हम सबसे पहले सीएसके के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप लेफ्ट आर्म स्पिनर और बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के साथ जा सकते हो, जो कि बल्ले के साथ बड़े बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी से लगातार विकेट्स भी चटकाते हैं, हाल फिलहाल में काफी बेहतरीन फॉर्म में भी चल रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में गेंद और बल्ले दोनों के साथ शानदार प्रदर्शन किया था, तो वहीं हेड टू हेड और वेन्यू परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है, तो रविंद्र जडेजा आपकी फैंटेसी टीम में एक मस्ट पिक होने चाहिए। इसके अलावा आप राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर शार्दुल ठाकुर के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि शार्दुल ठाकुर एक विकेट टेकिंग गेंदबाज है, हर मैच में कम से कम एक या दो विकेट्स जरूर चटकाते हैं और चेन्नई की इस पिच पर अपनी स्लो डिलीवरीज और नकल बॉल से काफी इफेक्टिव भी साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ आप आरसीबी की टीम की तरफ से लॉकी फर्ग्यूसन या फिर अल्जारी जोसफ, जो भी राइट आर्म फास्ट बॉलर खेलता है, आप उसके साथ जा सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही तेज गेंदबाज विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, हर मैच में कम से कम एक या दो विकेट जरूर चटकाते हैं, हालांकि कभी कभी एक्सपेंसिव भी साबित होते हैं, लेकिन विकेट कॉलम में आपको हमेशा इनके विकेट नजर आता है। इसके अलावा आप बेहतरीन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के साथ भी जा सकते हो, जो कि बल्ले के साथ भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वहीं अपनी राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी से दो तीन ओवर भी डालेंगे और उसमें आपको ये विकेट चटका के दे सकते हैं। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2024 के फर्स्ट मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे तो बल्लेबाजी के डिपार्टमेंट में दोनों टीमें लगभग बराबरी पर नजर आ रही हैं, क्योंकि दोनों टीमों के पास काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मौजूद है। लेकिन इसके अलावा अगर आप दोनों टीमों के पेसर्स का कंपैरिजन करोगे तो दोनों टीमों के पास काफी अच्छे क्वालिटी के पेसर्स मौजूद हैं, लेकिन आरसीबी की टीम पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। हालांकि आरसीबी के पास अभी भी डेथ बॉलिंग में उतने ज्यादा विकल्प नहीं है, दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की जो डेथ बॉलिंग है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। वहीं अगर आप दोनों टीमों के स्पिनर्स का भी कंपैरिजन करोगे तो स्पिन डिपार्टमेंट में भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, उनके पास काफी ज्यादा विकल्प भी हैं और स्पिन डिपार्टमेंट में क्वालिटी भी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरसीबी के पास स्पिन डिपार्टमेंट में उतनी क्वालिटी नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों ऐसे में पिच कंडीशंस के हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की जो प्लेइंग 11 है वो मुझे ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वैसे सब कुछ डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम उस दिन पर कैसा प्रदर्शन करती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू परफॉर्मेंस की भी बात करोगे तो वहां भी सीएसके का पलड़ा पूरी तरीके से भारी है। आरसीबी की टीम इस मैदान पर हमेशा से ही स्ट्रगल करते हुए नजर आती है, खासतौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इस मैदान पर जीत दर्ज करना आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसी वजह से वो 2008 के बाद से अब तक इस मैदान पर सीएसके के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं। तो दोस्तों इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि इस पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी है और ऐसे में इस फर्स्ट मैच की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2024 का फर्स्ट मैच जीतेगी, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।